भाई एक ऐसी बात पता लगी है कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। घर वाले के बारे में सोच, सारे परिवार वाले क्या सोचेंगे, लड़का क्या करेगा। रेवन के शोरूम आ गए, रेवन के शोरूम आ गए हम। ये देख, इसको देख भाई, डेयर दिया भाई। वक्त आ गया तुम्हें वो चीज दिखाने का जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि मैं एक चीज खरीदने आया हूं। थैंक यू सो मच भाइयों, 50,000 हो गए यार। चले आ जा। हाय गाइस, वेलकम बैक, दिस इज आरुष बोला और स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम हो रहा है 6 बज रहे, और अगर तुम अभी तक लेट उठे हो या आज लेट उठे हो तो बैंड से शर्म है तुम पे भाई। सुबह जल्दी उठा करो, जैसे मैं रोज उठ जाता हूँ 6 बजे और ब्रूजो को घुमाने लाया हूँ। ब्रूजो की तो लॉटरी लग गई है, रोज 12-1 बजे लाता हूँ इसको। थोड़ी सी गर्मी हो रही होती है, ठंडक ठंडक में आ गया, तुमने देखा कितना खुश हो गया था ये। तो आज जल्दी उठने का कारण कुछ नहीं है भाई, आँख खुल गई, बस खुल गई तो मैंने कहा चलो पहले नीचे हुआ इसको घुमाओ। और 2-3 दिन से दर्द था इबले हाथ में जिससे कैमरा पकड़ा हुआ है, क्योंकि जिम में एक ऑलमोस्ट इंजरी हो गई थी। हुआ क्या, शोल्डर प्रेस मार रहा था तो 35 का डंबल लिया हुआ था, लेफ्ट तो मैंने उठा के अपने इधर रख लिया, राइट मैंने कहा था किसी को भी भाई पकड़ा दे। और जिसको कहा वो बेंचो, कोई पतला सा बंदा था, मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं था उसको, उसने देने देने में 15 मिनट लगा दिए। तो फिर लेफ्ट वाला पूरा सोर हो गया उतने में ही। फिर एक दिन जिम भी नहीं ढंग से हो पाया, वो वाला वर्कआउट भी चूत गया क्योंकि वो पहली एक्सरसाइज थी। चलो कोई नहीं, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। कल दोबारा वर्कआउट करा, अच्छे से बैक मारी, फिर ठीक हो गया। अब चलते हैं, बुलाते अपने साथी को, सुख दुख के लैला को। कैसे मटका मटका के चलता सारे, लड़की के साथ घूमना चाहिए मेरे को जो ऐसे मटका मटका के चलती हो, पर तेरे साथ घूमना पड़ रहा है। अब मेरे को एक बहुत कन्फ्यूजन हो रही है कि सुबह उठ गया जल्दी तो पहली मील लूँ या बाहर जाके घूम फिर के खाऊँ। जल्दी नीचे कमेंट करके बताऊँ क्योंकि वैसे ही मेरा डे स्टार्ट होगा। तो ए इधर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, किसी एक पे क्लिक करो फटाफट, मील ले ले घर पे या बाहर जाके खा जल्दी। अब कोई नेटफ्लिक्स का शो थोड़ी ना जो क्लिक कर रहे हो भाई, बाहर ही खा लूँगा। चलो भाई एक ऐसी बात पता लगी है कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। लैला ने चंद पैसों के लिए किसी के घर पर नाइट शिफ्ट लगाई है आज, मतलब अब मेरी बात समझ रहे हो गए तो मैं उधर ही जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ गलत तो नहीं हो गया। लाइट ऑन करियो भाई, भाई का नया क्लाइंट आया। ये देखो भाई, आज फिर किसी के साथ रात रंगीन कर रहा था। अबे तेरे को शर्म नहीं आती, चंद पैसों के लिए क्या क्या करने लग गया तू, इतनी जल्दी अमीर बनने की ये जो वो है ना तेरी अंदर की ख्वाहिश, तेरे को लेट डूबेगी। रात रात को जाके लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ देता है, क्या करता है, शर्म कर ले शर्म। काम कर रहा हूँ, सुबह के 6 बज रहे और किसी के घर पे पड़ा हुआ है भाई। जो पैसे वैसे चाहिए हमसे बात बात कर लिया, अगर इतनी वो अंदर से ठरक मत मचो अपनी। दिखा कौन है, दिखा भाभी कौन है, भाभी दिखा। भाभी चुप रही है, भाभी कह रही रिवील हो जाऊंगी, मेरा पति देख लेगा कल। ये देखो भाई स्कैम चल रहा है यूके का, मत करा कर ये सब, मत करा कर भाई, मत करा कर, मत करा कर, मेरी बात सुन। चाहे इंडिया में किसी का राम का पैसा खाएगा, बाहर किसी का राम का पैसा खाएगा, दोनों राम के ही होते हैं भाई। मत बोल ऐसे, मत कर, मत कर भाई, मत कर, मत कर, हाथ जोड़ रहा हूँ, मत कर। किसी कोई मेहनत से पैसा कमाता है, मेरी मेहनत से पैसा कमा हुआ, कोई दुनिया के कोने का बंदा भी मेरे पैसे लूटेगा मैं उसको भी बद्दुआ दूंगा भाई। का लौड़ा भाई, ये देखो ब्रश करी जा रहा है, पता नहीं ये भाभी पे था या जीजू पे था, आज रात को कैचिंग हो गई है इसकी पर भाई। यहाँ और देख दर्द भी हो रही है पीछे, आना छोड़ दे भाई, यहाँ पे आना छोड़ दे, नीचे पेटीएम नंबर डालता हूँ, हमारी यूट्यूब फैमिली तेरे को पैसा देगी, छोड़ दे। सुबह सुबह तो गाइस खजली बहुत होती है। ओके गाइस, रेस्क्यू मिशन पॉसिबल, जूल बॉय को बुलाया था तो हम दोनों ने इसको जाके बचा लिया। साढ़े आज के बाद ये काम छोड़ दे, अब तेरे को लास्ट वार्निंग दी है, करेगा आज के बाद? हाँ। हैं? पैसों के लिए तो करना पड़ेगा ना दोस्त। भाई हमारी YouTube फैमिली पैसा देगी, रुक जा, तेरा चैनल हिट होएगा, हमारा भी होएगा। ठीक है। थोड़ा घर वाले के बारे में सोच, सारे परिवार वाले क्या सोचेंगे, लड़का क्या कर रहा है रातों को जा जाके। बाकी भाई तू पूरी रात इसके साथ था, इसके मुंह से बदबू आ रही थी बहुत ज्यादा भाई, और नीचे से नीचे का पता नहीं भाई। वो भाई सुन के भैंड के लोड़े पतोड़े तेरे से तो बढ़िया ही हूँ, आया पूरा माँ चौधरी कमरे की पात पात के पा, 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 भैंड का लगा भाई, कम से कम नीचे से बदबू निकाल रहा हूँ, ऊपर से नहीं निकाल रहा। मेरी भैंड की चूत ऊपर से सुबह उठ के सबके मुँह से बदबू आती है, किसी के मुँह से नहीं आती भाई, तेरे मुँह से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा कुत्ता मर गया, गिरा दिया तेरी। सॉरी मुझे कुछ दिखी भाई, धूप पड़ रही है सीधा भाई। तुम्हें मैं स्मार्ट सा दिख रहा हूँ बट मेरे को कुछ नहीं दिख रहा।
चलो अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पहाड़गंज कुछ खाने पीने। पहाड़गंज में इसको ब्रश लेके देंगे पहले। इसको पहले सबसे पहले ब्रश खरीदवाऊंगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वाला ब्रश खरीदवाएंगे इसको। साढ़े रहने दे, कहीं और ही ले ले गई उसे। ड्राइवर थोड़ी फास्ट चलाओ गाड़ी, जल्दी करके नहीं चलो। तेरा बाप ड्राइवर पहन के लोड़े। भाई नाक क्यों बंद करी दिया सबने? ये बोल रहे तो हॉस्पिटल के अंदर जाया कर। कोई बहन का मरीज होगा ना, उसको दिल का दौरा होगा, उसको पाद कर उसका मुंह पे जाके बैठ कर जिंदा हो जाएगा वो बुड्ढे का। माता चोद इतनी गंदी पाद मार। भाई पता नहीं ये नाक क्यों बंद करके बैठी हुई है। तो भाई मेरे पीछे तुम देख रहे हो चावला दे मशहूर चुरचुर नान पहाड़गंज के। आज पहली बार खाऊंगा। आज खा के देखते हैं कैसा है। तो भाई जो चावला वाला था वो कह रहा आधा घंटा लगेगा। वेट तो मैं अपनी बंदी का नहीं करता, इसका क्या करता। फिर हम जा रहे हैं दूसरे पे। अगर उधर भी नहीं हुआ टाइम लगेगा, फिर हम जाएंगे राजेंद्र नगर कुछ और खाने। ठीक है नन्नू मेरे बच्चा, अब हमने ऑर्डर दिया है, अभी दे रहे हैं, मतलब मंगा यार, नींद आ रही है। भैया 2.5 लाख बंदा देख रहा है, बढ़िया बना के देना। ठीक है मेन्यू दे दो, मेन्यू रिपोर्ट एक दो, मेन्यू 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 दो। भाई ये आ गया मेन्यू अपना। क्या खाओगे भाई? टेस्ट रिव्यू। पनीर के साथ खाऊं, दाल के साथ? दाल के साथ। काफ़ी भाई मेरे पनीर अफोर्ड नहीं कर पाई है, उनके लिए दाल दे। ऐसा लग रहा अमृतसर आ गया, मजा आ गया भाई। अब खान दो, एक पनीर के साथ भी ले लो। दोनों बहुत बढ़िया खाके मिलते हैं। वो देखो कुत्ते को। ओ लैला सर, नानू की दुकान पे गए थे आपकी कश्मीर वाली पे, कैसा लगा खाना? खाना तो बढ़िया था, बस नानू से एक शिकायत है, नानू हिस्सा नहीं देते यार अपनी जायदाद में से। बाकी नानू बढ़िया बंदे हैं। नानू को बोले पटेल नगर में भी खुलवा देना। नानू यही रहते हैं, नानी यही रहती है। रेवन के शोरूम आ गए हम। यार वो गोल वाले चश्मे नहीं है, वो गोल वाले 80 रुपए का। वो 80 रुपए हो गया भाई, 150 के दो है मेरे। कैसा लग रहा भाई? इसमें और छोटा होगा, इसमें गुच्ची की शॉप में है वो। ये देख इसको देख, ये क्या नाम है आपका? अल्ताफ है। अल्ताफ, अल्ताफ। तो भाई अल्ताफ भैया की दुकान है यहाँ पे पहाड़गंज में। कहाँ पे है ये? चूर लैला की नाना की दुकान है, वहाँ से सीधा सीधा हो गया भैया की दुकान है, यहाँ से ले लेना भैया। डिस्काउंट दे देना जो हमारे नाम से है। ठीक है तो ओके गाइस, वेलकम बैक, न्यू लुक, स्पेंड सम नंबर वाला। वो कितने पैसे लग गए हमारे? 1,040 रुपए मेरा, डॉलर में था, डॉलर का भी। बाहर से यूके में फोन किया भैया को, उन्होंने ट्रांजैक्शन करी थी। यूके पाउंड होते हैं। अच्छा झूठ बोल रहे हैं, बहन के लोड़ों ने मुझको आगे कर दिया, मुझको गांड देनी पड़ी। सो गाइस ओनली फॉर 80 रुपीज, तेरा भी 80 रुपए का। देखो मेरा 100 है भाई। अच्छा तेरा 100 है। यही होता है कि मतलब जब आपकी शक्ल अच्छी होती है ना, तब चश्मे आपकी वजह से अच्छे लग रहे होते हैं, आप चश्मों की वजह से नहीं। यार ट्रैफिक बहुत है पहाड़गंज में। यार ये खरीद वरीद क्या खत्म करा, कल को नान मान खाने आऊंगा, ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। कोई नहीं, मैं बात करता हूँ नानू से, नानू की जरा थोड़ी। सो गाइस मैं चश्मे वाले पे गया था, वो कह रहा था कि 150 के 3 चश्मे। तो मैंने कहा 150 के 3 चश्मे तो मैं पहनूंगा कैसे? वो कह रहा है एक साथ पहन लेना। देखो गाइस कैसा लग रहा है बताओ, एक साथ मैंने पहन। तो भाई हम आए कॉफ़ी पीने और दो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बोल दी है, पीते हैं फिर मिलते हैं। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, मज़ेदार, जैसे मैं पीता हूँ उससे बढ़िया। घर में क्यों नहीं बनती ऐसी कॉफ़ी? कोई मेरे को अच्छी कॉफ़ी रेकमेंड करो जो घर में बनाऊँ। मैं तो नेस्कैफे गोल्ड पीता हूँ, उससे कुछ बढ़िया है तो बताओ जल्दी। डेविडो बोलोगे तो साथ में फ्लेवर भी बताना, कोई और बोलोगे उसका भी फ्लेवर बताना। कैसी लगी कॉफ़ी?
स्वागत है। टीम से अच्छी है किससे? टीम से वो आ गया भाई, वो कैचिंग आ गया। ओ लो भाई लो, देखो भाई साहब ये भी दूर नहीं रह सकता। लोनली लोनली बोलते हैं वो बेटा। कैचिंग कमिंग इन हाउस, देख रहे हो भाई 80 रुपए के चश्मे की पावर भाई तेरी कसम। भाई लग रहा है भाई, अगर ये 80 रुपए का मैं लगा रहा हूं तो मुझे क्यों नहीं लग रहा है ये? अबे एक नंबर, वीडियो में देखियो ब्लॉग में तो बढ़िया लग रहा है। अब इसको देख देख। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो भाई जिससे ये प्रूफ होता है कि मेरे पे 80-80 रुपए का नहीं जमता, मेरे पे जो चश्मा जमता है वो 10 या 15 हजार रुपए का जमता है। ये 15 हजार का प्लान ये करने के साथ गया था लेकर आया था वो 15 हजार रुपए का भाई ये। हाँ ये तो टट्टी है। हाँ भाई कैचिंग रिपोर्ट तो दे, कितनी कैच हो गई इस हफ्ते, कितनी कैचिंग हुई? जीरो। अभी तो तू कल कह रहा था हुई है ना? कर यार हफ्ता ट्राई नहीं जाना चाहिए अपना भाई। अभी मैंने पी थी नॉर्मल कोल्ड कॉफी, अब मैं पी रहा हूँ हेजलनट कोल्ड कॉफी। हेजलनट की स्पेलिंग सुना दे इसी बात, मेरा भाई होगा तो आज देखो। ओए हेलो, मतलब सॉफ्ट फ्लेवर है, कुछ बिल्कुल तगड़ी चीज है। हेजलनट की स्पेलिंग सुना दे, मान जाओ सुना दी दो। नाचूंगा बीच रोड पे दंगा होगी। खाप आपकी कसम, तू सुना पहले। एच ए जेड ई एल एन यू टी, गलत है, परफेक्ट डबल एल, परफेक्ट है डबल एल आती है, शब्द लगा रहा मेरे से। देखिए एक बार देखिए, और अगर डबल एल नहीं हो नाची हो भी तू, क्या नाचेगा तू अभी अगर सही हुई तो? टी शर्ट उतार के तेरे को नचवाऊंगा। रुक हेजलनट की स्पेलिंग देख, पहले मैं दोबारा स्पेल कर देता हूँ भाई। ठीक है भाई, हेजलनट एच ए जेड ई एल एन यू टी। अब तू गलत बोल रहा है, ई बोला था यू की तरह। अबे चल चल अब तू गया, देख लो भाई अभी ये नाचेगा। गरीब होगा जस्टिन बीबर, गई हो क्या? बहुत सॉरी लव तू। अब जस्टिन बीबर की स्पेलिंग सुना। जे यू एस टी आई एन जस्टिन है ना बीबर के नाम भाई। सर ने पिछला लेता नहीं मैं। चल तेरे को एक स्पेलिंग बोलता हूँ, सोफिस्टिकेटेड की सुना भाई। ये बहुत हार्ड है यार, ये कहीं और दे इजी दे। चल इजी दे तो कोई साइकोलॉजी। इसमें पी आता है पहले स्टार्टिंग में। हाँ सुना सुना साइकोलॉजी पी। अरे भाई ये हार्ड है, पी के बाद होता है, पी आता है कल। ठीक है पी बाबा बताना, साले से बंदे देख रहे हैं बोल जल्दी। पी एस सी एच बिल्कुल गलत। चल जल्दी बीच में जहाँ पे वो ऑटो जा रहा है भाई। बीच में ऑटो नहीं, यहाँ से यार गिनने है। मैं चल यहाँ कर ले थोड़ी सी और आगे भाई, डेर दिया यहाँ से भाई, थोड़ा सा पीछे हो जा, उड़ा लेगा बंदा वहाँ पे। चल कर कर पा 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 पा, हो गया डेर कंप्लीट। ड्राइवर मदर चोद, ड्राइवर कहाँ गया? गाड़ी निकाल, ओ निकाल गाड़ी निकाल जल्दी से स्टार्ट कर। तो भाई देखो सो के उठा, मात्र 80 रुपए के मैंने वो खरीदे चश्मे, एक चश्मा खरीदा और ये डाल दी फोटो अपनी। अभी जे कटलर ये मैं नहीं हूँ भाई, ये मेरी पुरानी, ये भी मैं नहीं हूँ। आजा आजा ये आ गई फोटो। ओए होए होए, अब देखो ये 80 रुपए के चश्मे में 10,000 लाइक्स आएंगे, देख लेना। अच्छा क्या लग रही है फोटो। ओए होए होए, जल्दी पकड़ ले, कैप्शन चेक कर लो। जल मत भाई, तेरे भाई की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। कमेंट चेक करो भाई। चलो भाई ये अपने डैडी को फोन कर रहा है। एक प्रैंक होने वाला है, डैडी को फोन कर रहा हूँ। कोमा मैंने घर ले लिया, दूसरा मेरे से कंटेंट मेकिंग नहीं हो पाती घर पे रह के। तुम कहते हो जल्दी घर आ, ये कर वो कर, मैं अभी यहाँ पे रहूंगा और मेरा नंबर चेंज हो रहा है। जब तुम्हें बात करनी हो लैला को फोन कर लेना, वो बात करा देगा मैनेजर अगर मैं फ्री हुआ तो। गाइस आज के बाद से हमने प्रण लिया, शपथ ली है कि आज से आपस में नो बैन माँ की गालियाँ, ओनली गधे का लंड, सुअर का बाल, ऐसी गालियाँ। हाँ, माँ बहन की गालियाँ आपस में, क्योंकि इसकी बहन हमारी बहन, इसकी माँ हमारी माँ। वो तो हम वैसे भी स्लैंग में देते हैं पर आज के बाद वो भी कंट्रोल कर। चल बहन के लंड बंद कर दे अब। सही है, ये मैंने अपना फ्लैट ले लिया है, मेरे को वीडियोस वगैरह बनानी होती है ना कंटेंट, तो स्टूडियो बना रहा हूँ अपना। ईस्ट में लिया है, ईस्ट पटेल नगर में। और क्या कहते हैं, अब मेरा नंबर भी चेंज हो रहा है आज के बाद, तो कोई भी आपने बात करनी हो मेरे से, कुछ करना हो, लैला का नंबर दे दूंगा, इससे बात कर लेना। जब ये मेरा मैनेजर है, ये
ये YouTube पे आपको बंदे देख रहे हैं उनके सामने मैंने बता दिया कि मैं अपना अलग रहने लग गया हूँ भाइयों, ये देख लो डैडी से बात कर रहा हूँ, बता दिया डैडी को भी। नमस्ते अंकल। बैग कौन सा? कपड़े खुद बदलूंगा सब कुछ। ब्रूजो को भी तुम रखो, मैं कुत्ती पालूंगा, कुत्ता नहीं पालना। जैसे साहिल के साथ रहो, जैसे मोदी आते ना कभी कभी मिलने अपनी मम्मी से, पैर वैर छूता है, वैसे वीडियो मैं लेके आया करूंगा। मम्मी पापा मेरे, ये रे मैं यू, ये ड्राइवर है हमारा, इसको सीएनजी गाड़ी दे दी बलिनो खरीद के, अपना जहाँ जाना होता है एक फोन करते हैं आ जाता है अगला। नहीं गाड़ी डैडी, पैसा बहुत है गाड़ी। वो दिन गए साइकिल के, साइकिल वाले दिन चले गए, अब लाखों की डील होती है, छोटी मोटी बात नहीं होती। और अब रात को मैं फोन करके पूछ लूंगा कि तुम घर पहुंच गए नहीं पहुंच गए, मेरे को फोन मत करना कि 3 बज गए घर आ जा, अपना घर यही है। टाइम हैज चेंज डैडी, तो अब मैं आराम से बात करूंगा, अब मैं कंटेंट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। ये देखो भाई अपनी पहली व्लॉग, ब्लूजो को सीपी लेके गए थे, दोबारा करें ये मतलब व्लॉग में लेके चले ब्लूजो को सीपी, चल चलते हैं। पर साला ब्लूजो बहुत हरामी हो रखा है। अबे यार क्यों तुम परेशान कर रहे हो? ओके गाइस, तो अब हम आ गए हैं वैभव के घर, उसको छोड़ा है, अब अपने घर जा रहा हूँ, 1-2 घंटे की नींद पूरी करूँ। चल यार जल्दी, लेट क्यों कर रहा है? टोपी सही में अबे गंदी हो गई थी भाई। चल ठीक है, आप अपनी बारी में भी मजाक याद कर रही हो तेरी, मैं कान फाड़ूंगा ऐसे, ठीक है भाई। तो भाई हुआ क्या, इसकी एक कैप थी मेरी स्कूटी की डिग्गी में पड़ी हुई थी, इसने बाहर निकाली, वैभव को दी, वैभव ने यहीं रोड पे घेर दिया, पता नहीं कहाँ है वो, साले 100 रुपए की कैब नहीं थी उसके लिए रो रहा है। तो भाई वक्त आ गया तुम्हें वो चीज दिखाने का जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि मैं एक चीज खरीदने आया हूँ और तुम सब गेस करो। तो कोई ज्यादा स्पेशल चीज नहीं है, बट मेरा मन कर रहा था खरीदने का बहुत टाइम से, और बस शौक था तो ले ली, दिखाता हूँ। ये है भाई मिक्सी न्यूट्री बुलेट की, हम जिम वाले रोज शेक पीते हैं, फिर मेरा भाई भी पीने लग गया, फिर जो मेरी मिक्सी थी वो ख़राब भी हो गई, और ये मैं बहुत पहले से देखता था, बट तब ये आती थी 7-8 हज़ार रुपये की, फिर तुम्हारे भाई लेता नहीं था तब, क्योंकि घर वालों को बोलता नहीं मैं कि ये चीज़ दिला दो वो चीज़ दिला दो, मेरी आदत है स्टार्टिंग से मैं घर से पैसे नहीं मांगता। फिर जब मैंने खुद कमाने स्टार्ट किए, मैं 12 हज़ार रुपये की मिक्सी लेके आया हूँ, ये सबसे हाई क्लास वाली न्यूट्री बुलेट, ये बाहर के फ़ौरन जो बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं सब वो यूज़ करते हैं, और इसकी ये चीज़ बहुत बढ़िया लगती है। देखो ये स्टार्ट करा, अब इसमें हाथ रख के नहीं खड़ा होना, अपने आप होगी सारी। मतलब अभी इसमें चलते चलते ऐसी फिल्ट्रेशन हो जाती है ना, बिल्कुल टॉप क्लास। तो कैसी लगी मेरी न्यूट्री बुलेट की मिक्सी, मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ। वो तो दो बंदे पी रहे इसलिए वो बड़े जार में बना रहा हूँ मैं, वरना जो मेन चीज़ जिसने मेरे को अट्रैक्ट किया था वो थी ये, इसको लगाओ इसके ऊपर एक वो आती है कवर, उल्टा करके लगा दो, इसमें सारा मिक्स हो जाता है, अब फिर उसी को निकाल के यू पी लो। तो मेन ये चीज़ है जिसने मेरे 12 हज़ार रुपये खर्चवा दिए भाई। आगे खाओ पियो ऐश करो, छोटे मोटे शौक है अपने को, नशे तो है नहीं जो उस पर पैसे खर्च करें, यही खाने पीने की चीज़ें मिक्सी वगैरह इन सब का शौक है। एक मेरी गलत इन्वेस्टमेंट हो गई थी एयर फ्रायर, वो देखो मम्मी ने ऐसे ही रख दिया, वो बड़ा एयर फ्रायर यूज़ ही नहीं आता ये किसी। ओके गाइस, तुम्हारा भाई आके सो गया, तो और तुम्हें दिखा दिया मैंने सुबह से क्या खाया, चुरचुर नान, उसके बाद शेक पिया अपना, फिर मैंने उठ के एक सेब खाया, थोड़ा सा पानी पिया, अब तुम्हारा भाई पूरा फ्रेश है, नहा धो के हीरो बन गया हूँ, वो तो मैं चलो बचपन से हूँ, ना नाता तब भी हीरो लगता, और अब मैं जा रहा हूँ जिम, आज है लेग डे, तो तुम्हें थोड़ा बहुत लेग का वर्कआउट दिखाऊंगा, जो भी होगा तुम्हारे को साथ दिखाता रहूँगा यार, क्योंकि अपनी ज़िंदगी क्या है, मूवी बनानी है, अगले दिन एडिट करानी है, फिर डालनी है, वही है ज़िंदगी, तो जा भी जाएंगे तुम्हें लेके जाएंगे साथ, चलो भाई। और हल्की हल्की बियर्ड आ गई है, कल इसको भी हटाते हैं, तुम कहोगे भाई बियर्ड लुक रखा करो, नहीं रखा करो, ऐसे अच्छे लगते हो, पर यार फिर ये संभालनी बहुत मुश्किल है, अगर मेरे को संभालने की आदत होती तो मैं आज कमिटेड होता, हमसे कोई चीज़ नहीं संभाली जाती, हम खुद को संभालते हैं बस, ठीक है। अब चलो जिम। भाई साहब लैला बहुत बड़ा मादर चोदा, बहुत वेट करवाता है। Gonna take that. Hope you fucking fight back.
तो भाई मैं जिम आ गया था, वर्कआउट कर लिया था, एक आधी वीडियो तुमने देख ली होगी तो देख ली होगी, अदरवाइज मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। और लेग वर्कआउट काफी बढ़िया हुआ, 130 से कुछ रेप्स मारे थे। तू क्या सुन रहा भाई? कुछ नहीं बढ़ा था अभी भाई, सब चेक भाई, लेग्स मारे भाई साहब, कैसे बन गए? लेग दिखाता नहीं यार मैं, नजर लग जाएगी। सोच तू नहीं सब्सक्राइब ना कर रखा हो सकता यार भाई, देख रहे हैं 50 के वही नहीं हुए, 7-8 फॉलो, 7-8 सब्सक्राइबर चाहिए थे जब मैं वर्कआउट कर रहा था। प्लीज भगवान, प्लीज प्लीज हो गए भाई, अबे दिखा तो दे 50 के हो गए, हो गए, हो गए, 50 के। और कितनी वीडियोस हैं? 262 भाई, एक कदम बढ़ गया, दूसरा कदम बढ़ाना है, प्ले बटन आ जाएगा, आधा हो गया पूरा। थैंक यू सो मच भाइयों, 50,000 हो गए यार, मतलब बोलने को कुछ है नहीं ज्यादा, बट फिर भी थैंक यू। जब स्टार्ट किया था भाई 500 हुए थे, कितनी खुशी होती थी, 500 हो गए, 1,000 कब होएंगे, कब होएंगे, कब होएंगे, आज 50,000 हो गए, थैंक यू सो मच। अब चलो एंजॉय करते हैं नीचे, यहाँ पे थोड़ा गाली वाली नहीं दे सकते। ओके गाइस, अलविदा जिम को, चलो। तो ओके भाइयों, घूम फिर लिया आज का दिन आपने पूरा मेरा देख लिया, उसके बाद जिम विम गए थे, फिर ऐसे इधर उधर घूम रहे थे, व्लॉग नहीं किया मैंने, और आपको बस थैंक यू बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच भाइयों। एक दिन था जब 500 सब्सक्राइबर के लिए भी मैं तड़पता था, आज तुम भाइयों की वजह से 50,000 हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच। बस तुम ऐसे प्यार दिखाते रहो, टॉप क्वालिटी का कंटेंट तुम्हारा भाई तुम्हें देगा, बस लव यू है सबको। मैं मतलब बोल नहीं पा रहा आज, मन नहीं कर रहा ज़्यादा कुछ बोलने का, तो थैंक यू सो मच एक और बार, लव यू। बस प्यार बनाए रखना, सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, लव यू गाइस। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाट।